देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तरी जिला पुलिस के थाना बुराड़ी में तैनात एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सीबीआई के अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। सीबीआई के अधिकारी दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर संदीप अहलावत और सब इंस्पेक्टर भूपेश कुमार को उठाने गए। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने अपने साथी अजय कुमार के साथ मिलकर बुराड़ी में चोपड़ा परिवार से 400 गज का प्लॉट खरीदा है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए होती है। चोपड़ा परिवार को 96 लाख एडवांस दिया गया, लेकिन इसी बीच में ब्रजेश शर्मा नाम का व्यक्ति कृष्ण कुमार और झूठा मुकदमा FIR 164/24 दर्ज करवा देता है। जब इस झूठे मुकदमे के मामले में कृष्ण कुमार थाने में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर संदीप अहलावत से मिलने जाते हैं, तो वह मामले को रफा दफा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मांग करते हैं और सब इंस्पेक्टर भूपेश से मिलने को बोलता है। भूपेश उनको अपने घर बुराड़ी कॉलोनी बुलाता है और मामला 1 करोड़ में तय हो जाता है। कृष्ण कुमार 11 तारीख को जाता है और सीबीआई को शिकायत देता है। सीबीआई शिकायत को वेरीफाई करते हुए 14 तारीख को रेड की तैयारी कर लेती है। कृष्ण कुमार से इंस्पेक्टर संदीप अहलावत भूपेश को 10 लाख रुपए पहले देने के लिए कहता है और 20 तारीख तक और 10 लाख देने की बात कहता है। इसी बीच में सीबीआई रेड करती है और इंस्पेक्टर संदीप अहलावत भूपेश कुमार को हिरासत में ले लेती है। ताजा जानकारी के अनुसार इस मामले में बुराड़ी थाने के SHO भी जो है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि बुराड़ी थाना के SHO के इस रिश्वत मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी जांच जारी है। नमस्कार, मैं ललित रोदवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। के जैसा कि दिल्ली पुलिस के अंदर स्टम भ्रष्टाचार की भरमार है, जहां देखो वहीं दिल्ली पुलिस पैसा लेके कुछ भी कराने को राजी हो जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है बुराड़ी के अंदर, जहां हम खड़े हैं उस बिल्डिंग के सामने जहां पर अभी पीछे CBI ने रेड की, और रेड में जो इंस्पेक्टर हैं अहलावत और जो उनके साथ भूपेश हैं उनको अरेस्ट किया। मामला यह है कि जो आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का सौदा हुआ अजय कुमार और कृष्ण कुमार ने करा। उन्होंने चोपड़ा फैमिली से ये 7 करोड़ के अंदर बिल्डिंग का सौदा हुआ, जिसमें 96 लाख उन्होंने दे दिए। लेकिन उसके बाद ब्रजेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर एक मुकदमा छोटा मुकदमा करा। मुकदमा होने के बाद जब कृष्ण और अजय कुमार जब थाने गए, वहाँ पर जो संदीप अहलावत हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर जो उन्होंने कहा कि हम इसको आपको सेटलमेंट करा देंगे, इससे बाहर निकलवा देंगे, निकलवाने के नाम पर उन्होंने 1.5 करोड़ की डीलिंग करने की बात की। और उसके बाद जब बात हुई तो भूपेश कुमार जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने उनके घर पे बुलाकर मामला रफा दफा करने का 1 करोड़ रुपया मांगा। और उसकी शिकायत जो अजय कुमार हैं उन्होंने शिकायतकर्ता ने CBI को करी। CBI को करने के बाद उनको दोनों को इंस्पेक्टर को और सब इंस्पेक्टर को जो बुराड़ी थाने में तैनात थे उनको CBI ने उठा लिया और अब मामला CBI के विचाराधीन है। लेकिन इसको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं बार बार कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पैसा लेके कोई भी काम करवा देती है या झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करती है, क्या दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है संजय अरोड़ा क्या कभी ग्राउंड पे आकर ऐसे मामलों को देखते हैं या सिर्फ अपने ऑफिस के अंदर बैठकर ही PC और जो वार्ता होती है वो की जाती हैं। मुद्दा यह है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अंदर लगातार CBI की रेड हो रही है और उनके सिपाही या जो अधिकारी हैं वो अरेस्ट किए जा रहे हैं, वो मामला बहुत ही संगीन है। यही वो बिल्डिंग है जिस मामले के अंदर एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर दोनों CBI की हिरासत में है। देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या पाया जाएगा और क्या नहीं पाया जाएगा। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए दिल्ली।